वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, किसी चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं जिसका सही प्रणाली में मात्रक भूल है। किसी चालक की स्थिति ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं, आइए इसको देखते हैं। माना किसी चालक की धारिता सी है, इसे की गुलाम आवेश देने पर इसका बिल्कुल भी गोल हो जाता है, आता भी इक्वल टू की ओपान भी। ये धारिता की परिभाषा से लिखा गया, धारिता सी इक्वल टू होता है की ओपान भी, भी इक्वल टू की ओपान से। माना चालक को सूक्ष्म आवेश डी क्यू देने पर किया गया कार्य डी डब्ल्यू। जब सूक्ष्म आवेश दिया जाता है तो विभव में वोल्ट वृद्धि को नगण्य माना जाता है, या विभव में वृद्धि जो है नगण्य है। आपका डी डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू डी क्यू, डी इंटू डी क्यू ये फार्मूला चल रहे, डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू, डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू, या ये पढ़ेंगे वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। यहाँ से लिखा गया डब्ल्यू डी डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू डी क्यू। आता चालक को क्यों आवेश देने में किया गया कार्य, क्यों आवेश दिया कैसे जाता, पहले इसके लिए एक प्रक्रिया बनाई जाती, पहले उसको जीरो आवेश दिया जाता, फिर आवेश का मान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। तो आवेश कार्य डब्ल्यू बराबर लिमिट फ्रॉम जीरो टू क्यू डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू कार्य का सम कर देंगे लिमिट के अंतर्गत, क्योंकि आवेश जीरो से क्यू दिया गया। अब ये Q के W, DW की वैल्यू यहाँ से रखेंगे V into DQ, V into DQ, W equal to limit from 0 to Q, V DQ, V की वैल्यू, V की वैल्यू Q upon C, V equal to Q upon C, DQ। अब आप क्योंकि Q के सापेक्ष आप समाकलन कर रहे हैं तो 1 upon C अचर हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन साइन के पहले लिखेंगे, लिमिट फ्रॉम जीरो टू क्यू क्यू डी क्यू। अब क्यू का इंटीग्रेशन एक्स टू पावर एन का इंटीग्रेशन होता है, एक्स टू पावर एन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। यहाँ पर ये हो जाएगा क्यू टू पावर टू अपॉन टू, क्योंकि यहाँ एक्स टू पावर वन है, वन में वन ऐड करेंगे, क्यू टू पावर टू अपॉन टू, फिर क्यू के स्थान पर क्यू रखेंगे और क्यू स्क्वायर अपॉन टू हो जाएगा, क्यू के स्थान पर जीरो रखेंगे, जीरो टू पावर टू अपॉन टू, डिफरेंस इसका ज्ञात करते हैं, डब्ल्यू की वैल्यू आपको मिल गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, डब्ल्यू इक्वल टू वन अपॉन सी इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन टू, या फिर जीरो हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन टू, क्यू स्क्वायर अपॉन टू माइनस जीरो, क्यू स्क्वायर अपॉन टू हो गया तो डब्ल्यू इक्वल टू हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी जूल, यू बराबर डब्ल्यू। आप ये जानते हैं स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है W, U बराबर W, तो ये आप लिख सकते हैं कि U इक्वल टू वन अपॉन टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी जूल, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी जूल में U की वैल्यू हो गई स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी जूल, क्योंकि आपको ये बताएंगे कि चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इस एक्सपेंशन को आगे भी बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ाएंगे यू टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी है, परंतु ये आप जानते हैं परंतु क्यू इक्वल टू सी धारिता की परिभाषा से क्यू इक्वल टू हम देख सकते हैं यहाँ पे क्यू इक्वल टू सी भी आता यू इक्वल टू, यू इक्वल टू वन अपॉन टू सी, सी के क्यू के स्थान पे सी भी, सी भी इक्वल टू पावर टू, यू इक्वल टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू सी, इसको शार्प करेंगे तो यू इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन टू सी वी स्क्वायर, यू इक्वल टू वन अपॉन टू सी वी स्क्वायर, यू इक्वल टू वन अपॉन टू सी वी स्क्वायर जूल। अलग अलग कभी आपसे पूछा जाता है कि आवेशित चालक की स्थिति हो जाएगा सूत्र धारिता और विभव के पदों में, तो आप लिखेंगे U इक्वल टू वन अपॉन टू सी वी स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए
चालक की धारिता का सूत्र है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है आवेश और धारिता के पदों में q स्क्वायर अपॉन 2c। यहाँ b की वैल्यू भी रख सकते हैं, b इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन c रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही।